तो लोग पूछते रहते हैं कि ये पुराने कसूरी टेडी कबूतर थे क्या, कहाँ से आए थे? ये कराची में ही जाना है, माशाल्लाह से ये कबूतर ऑलरेडी बुकड है, कराची में इसने जाना है, इंशाल्लाह लियारी में अपने जौहर दुख दिखाएंगे इसके बच्चे भी, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। और ये देख लीजिए इसको क्लोजेस्ट, बहुत ही खूबसूरत कबूतर है। अब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि फ़कीर गुल कहाँ से आए थे, वो कांटों वाले कबूतर कहाँ से आए थे कसूरियों में, वो सारी की सारी चीज़ें जो परफॉर्म करती थी वो बेसिकली थी क्या चीज़ें, वो सब ये चीज़ें थी अभी आप लोगों के सामने है। आधी आधी तो मैं काली हुआ करती थी, कान खुले होते थे, बाजू देखिए कमाल, वर्थ वॉचिंग दिस पिजन, अमेजिंग बर्ड फ्रॉम द लॉफ्ट ऑफ हाजी हुसैन शरीफ ज़ादे, इस्फहान ईरान, ब्यूटिफुल बर्ड, अमेजिंग, थैंक यू जी। दोस्तों ये शाकार देखिए, और इसके बारे में एक बड़ा सीक्रेट पता चला है मुझे कि बेसिकली यही ब्लड लाइन के वो कबूतर थे जो यहाँ से गए हैं इसके कुछ बच्चे, और जिससे फिर बाद में सखी वाले टेडी बने। सो दिस इज़ अ सीक्रेट आई फाउंड इन ईरान, कि ये कोई मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी एक स्टोरी है, पीछे पता चला है कि ऐसा है, और हो भी सकता है क्योंकि ये कबूतर नज़र आ रहा है कि उसके पीछे असल में कहानी चलती क्या रही है। तो दिस इज अमेजिंग बर्ड, आई वुड से अमेजिंग अमेजिंग बर्ड, क्लासिक, आप देखिए इसको। और अभी जो वो टेडी जो कहीं परफॉर्म करते हैं उनको थोड़ा सा देखकर ज़रा इनके साथ कंपेयर कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली काम हो कहाँ से रहा है और क्यों हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ दीज बर्ड्स आर।